हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी रिजल्ट 2022 के 3 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोटोरिस्ट कमिटिंग दिस इन्फ्रैक्शन आर डैश फाइंड, मतलब जो मोटोरिस्ट हैं जो ये क्राइम कर रहे हैं, जो ये क्राइम करते हैं उसको फाइन किया जाता है। तो कोई मोटरिस्ट अगर कोई क्राइम करेंगे तो उसको कैसा फाइन किया जाएगा, तो उसको फाइन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसका हम मीनिंग जान लेते हैं। तो होली का अर्थ होता है पूरी तरह से। क्या किसी को पूरी तरह से फाइन किया जाएगा? नहीं है सूटेबल। हार्डली, हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से। क्या किसी को मुश्किल से फाइन किया जाएगा? नहीं। तो इसलिए हमारा बी भी कैंसिल हो गया। क्या किसी को धीरे से फाइन किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। उसको कैसा फाइन किया जाएगा? भारी फाइन किया जाएगा, बहुत ज़्यादा फाइन किया जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम यहाँ जान लेते हैं कॉमिट वर्ब के बारे में। कॉमिट ऐसा वर्ब है जिसका अर्थ होता है करना। तो ये करना किसके संदर्भ में यूज किया जाता है? कोई नेगेटिव काम करना, जैसे कि हम ले लेते हैं सुसाइड की बात करते हैं। सुसाइड का अर्थ होता है आत्महत्या करना। तो यहाँ पे आत्महत्या करना, यहाँ पे करना के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कॉमिट का यूज़ करेंगे। सेकंड बात करते हैं, अगर कोई क्राइम कर रहा है या फिर इन्फ्रैक्शन कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम करना के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉमिट का यूज़ करते हैं। जैसे ही कॉमिटेड सुसाइड, उसने आत्महत्या की। तो अगर हम क्राइम के लिए यूज करें तो मोटरिस्ट कमिटेड अ क्राइम, ये भी हम कह सकते हैं। तो मोटरिस्ट ने क्राइम की। तो यहाँ जैसे इन्फ्रैक्शन है, इन्फ्रैक्शन का भी अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? क्राइम ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे कमिट आया है। यहाँ फ्रेंड्स हम कमिट के लिए डू का यूज हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या होगा? गलत कामों के लिए करना के संदर्भ में हम कमिट वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं 77th क्वेश्चन को। यह फ्रेंड्स इडियम है, क्या है? फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? ईमानदारी पूर्वक या ईमानदारी से। तो ऐसा हमारा किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स? ईमानदारी से। ये हमारा ऑप्शन ए में ही है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 78th क्वेश्चन को। चलिए इसको रीड करते हैं। आई, इसको फ्रेंड्स अंडरलाइन किया गया है। यूज टू स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था या फिर जवान था, छोटा था, तब मैं क्या करता था? तब मैं नदी में नहाया करता था। तो यहाँ पे हमको इसके प्लेस पे क्या आ सकता है? यूज टू के प्लेस पे जो कि अंडरलाइन किया हुआ है, ये हमको बताना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रेंड्स, जब मैं जवान था तब मैं इधर फ्रेंड्स पास्ट आएगा, तो इस वाला पार्ट में तो फ्यूचर कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आई विल स्विम दिया हुआ, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। आई वाज स्विमिंग, मैं तैर रहा था, तो ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी हम यूज़ नहीं कर सकते अगर दूसरे साइड हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर रहे हों। थर्ड है हमारा ये फ्रेंड्स स्विम जो है, यहाँ फ्रेंड्स हमको कैपेसिटी को दिखाना है, मतलब आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं नदी में तैर सकता था। तो यहाँ पे कैपेसिटी को दिखाना है। तो इसलिए यहाँ फ्रेंड्स हम ऑप्शन सी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कैन, ये तो नहीं ही आएगा, ये तो अभी के बारे में बता रहा है, प्रेजेंट टाइम के बारे में। तो सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अपन हम देख लेते हैं 79th क्वेश्चन को। चलिए इसको रीड करते हैं। आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। तो अंडरलाइन पोर्शन में क्या एरर है ग्रामेटिकली, ये हमको बताना है। ओके, तो पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग द सीजन। क्या ड्यूरिंग द सीजन में कहीं कोई गलती है? नहीं है फ्रेंड्स एरर। ऑफ साइड दिस ट्रैक, क्या इसमें एरर है? यस फ्रेंड्स, इसी में ही एरर है। यहाँ पे ऑफ के प्लेस में क्या आएगा? ओ डबल एफ आएगा। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं
सो फ्रेंड्स यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं ऑफ और ऑफ के बारे में, दोनों का यूजेस के बारे में। ऑफ का फ्रेंड्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक होता है का के की, मतलब पोजेशन दिखाने के लिए यह हम यूज करते हैं। सेकंड जैसे पीएम नरेंद्र मोदी, जैसे नरेंद्र मोदी इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। सेकंड अगर हम ऑफ की बात करें तो इसका यूज जो है वो होता है किसी बीमारी से कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उस केस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं, जैसे ही डाइड ऑफ कोलेरा, जैसे सेकंड केस बीमारी के लिए यूज किया जाता है, बीमारी से अगर किसी की मौत हो जाए, जैसे ही डाइड ऑफ कोलेरा। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स हम ऑफ का यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ से कोई वस्तु बनती है, वह चीज़ बाद में दिखाई पड़े तो उसको उस समय हम ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमने एक चेयर देखा और वो दिख रहा है कि उसमें वह जो है लकड़ी से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स चेयर जो बना हुआ वो तो प्रेजेंट टाइम मेरे सामने तो है, और हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो है लकड़ी का बना हुआ है, तो लकड़ी भी हमको फ्रेंड्स दिखना चाहिए, तो ऐसे केस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स अगर हम बोल दें कि घी जो है दूध से बनता है, तो यहाँ फ्रेंड्स हम इसके केस में फ्रेंड्स घी जो है दूध से बना है तो दूध तो हमको घी में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस केस में हम ऑफ का यूज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ फ्रेंड्स हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन का भाव है, अलग हो गया है दूध, कम्प्लीटली अलग हो गया है, मतलब दिख नहीं रहा है तो कन्वर्ट हो गया है घी में। तो ओके फ्रेंड्स हमारा तीन जगह ऑफ का यूज़ होता है हमने फ्रेंड्स देख लिया। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं ओट ऑल ऐप, इस ऑफ का यूजेज के बारे में जानते हैं। ओ डबल एफ ऑफ का जो है फ्रेंड्स यूज जो होता है, पहला कि सतह से जो है अलग होने का भाव में होता है, इसका अर्थ होता है से कब, जब सतह से कोई सरफेस से आप अलग हों तो उसको उस सेंस में इसका यूज किया जाता है, सतह से अलग होने के का भाव, अलग होने का भाव। जैसा कि फ्रेंड्स हम एग्जांपल देते हैं, वह साइकिल से गिर गया, तो यहाँ पे वह साइकिल से गिर गया मतलब ही हैज़ फॉलन ऑफ द साइकिल। कोई व्यक्ति फ्रेंड्स साइकिल पे था पहले, वो साइकिल के सरफेस पे था, लेकिन अब वो कहाँ है, धरती पे है, तो यहाँ से यहाँ पे वो आ गया, तो यहाँ पे सतह से फ्रेंड्स अलग हो गया, पहले साइकिल के सीट पे था और अभी धरती पे है, तो अलग जो हुआ है, तो इसको दिखाने के लिए इस केस में हम किसका यूज़ करेंगे, ओ डबल एफ, यहाँ पे से के लिए जो फ्रेंड्स आएगा वो ओ डबल एफ ऑफ आएगा, ही हैज़ फॉलन ऑफ द साइकिल। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम अगर एग्जांपल लें, जैसा कि वह एक पेड़ से गिर गया तो ही फेल ऑफ ए ट्री। यहाँ फ्रेंड्स कोई व्यक्ति जो था वह पेड़ पे है, मतलब कोई व्यक्ति पेड़ पे है और वहाँ से गिर गया, नीचे आ गया, तो मतलब पहले वो पेड़ के सतह पे है और बाद में नीचे आ गया, तो यहाँ पे सतह से क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ फ्रेंड्स हम से के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ करेंगे,
नेक्स्ट फ्रेंड हमारा यह है कि ऑफ का यूज जो है हम सेपरेशंस के केस में भी करते हैं, जैसे कि सेपरेशंस के केस में वुड ऑफ सेपरेशन के सेंस में जैसा कि हम कह रहे हैं कि वह जो है बस से छलांग उसने बस से छलांग लगा दी, मतलब ही जंप्ड ऑफ द बस। यहाँ पे वह जो है बस से अलग हो रहा है, ही जंप्ड ऑफ द बस। वह जो था पहले बस में था लेकिन अब कहाँ है, वह छलांग लगा दिया मतलब बस के बाहर है वो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वह व्यक्ति जो है बस से बाहर हो रहा है, मतलब सेपरेशन का इसमें भाव है। तो इसको भी हम दर्शाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे से के लिए ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स आई हैव नेवर प्लेड एनी गेम ऑफ साइड दिस ट्रैक ड्यूरिंग द सीजन। तो यहाँ पे ओ एफ ऑफ का हम जानते थे पोजिशन का भाव हो, तो यहाँ पे कोई भाव ही नहीं है। तो यहाँ फ्रेंड्स तो एक प्ले ऑफ होता है, प्ले ऑफ ये फ्रेज है फ्रेंड्स। तो इस कारण से भी हम जो है यहाँ पे ऑफ के प्लेस पे हम ओ डबल एफ का यूज करेंगे। तो ऐसे भी फ्रेंड्स हम देखते हैं तो ये मीनिंग नहीं दे रहा है पोजिशन का, यहाँ पे पोजिशन का मीनिंग नहीं हमको दिखाना है, यहाँ पे हम सेपरेशन का भाव दिखाएंगे जो हमको ओ डेवलप ऑफ से जिसको हम दिखा सकते हैं। तो सो फ्रेंड ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 80th क्वेश्चन को, चलिए इसको रीड करते हैं। वी डिसाइडेड टू डैश एज वी वेयर मिसिंग हिम अलॉट। हमने निर्णय किया कुछ करने का डैश, तो जैसा कि हमने उसको बहुत मिस कर रहे थे तो इसलिए हमने कुछ करने का डिसाइड किया। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शंस को चेक करते हैं, क्या किया, तो गिव अ विजिट, टेक अ विजिट, ब्रिंग इन अ विजिट, पे हिम अ विजिट। फ्रेंड्स बहुत अच्छा सा फ्रेजल वर्ब है पे हिम अ विजिट, तो इसका अर्थ होता है मतलब देखना या भेंट करना या मुलाकात करना, भेंट करना। पे वन और विजिट, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वी सी डिसाइडेड टू पे हिम और विजिट एज वी वेयर मिसिंग हिम अलॉट। तो जैसा कि हम लोग बहुत उसको मिस कर रहे थे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि उससे मैं हम लोग मिले, मुलाकात करें। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हमारा नेक्स्ट है 81st क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स नरेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये सिंपल सब्जेक्ट प्लस V2 आया है, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है। आई गोट सब्जेक्ट प्लस V2 है तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है। तो मतलब सिंपल पास्ट को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये जैसा है कि क्या है, लतिका सेड टू हिम, तो लतिका टोल्ड हिम, तो क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है, तो यहाँ हैज है तो ये गया, ये भी इज है तो गया, तो हैड इसमें है। तो ऑप्शन सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करेंगे 82nd क्वेश्चन को, चलिए इसको रीड करते हैं। वन हु मेडिएट्स इन अ डील और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जो कोई डील का मध्यस्थता करता है या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का बीच मध्यस्थता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नेगोशिएटर। नेगोशिएटर का अर्थ होता है मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति, या जिसको आप बोल सकते हैं जो ब्रोकरी करता है, दलाली करता है, मतलब बीच में वो उस जैसे कि जमीन को जो होता है, कोई एक जो ब्रोकर होता है फ्रेंड्स वो जमीन को बेचाता है, तो बाद में वो कमीशन वो कुछ पैसा लेता है, जैसे 1,00,000 का जमीन बेचा तो उसमें वो 10,000 रुपया लिया। तो जैसे काम करते हैं उनको हम नेगोशिएटर कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम रेस्ट ऑप्शन का मीनिंग जान लेते हैं। पहला है इक्वलाइजर। इक्वलाइजर किससे बना हुआ है, इक्वल से बना हुआ है। इक्वल मतलब जानते ही हैं जो बराबर होता है। सॉलिसिटर, सॉलिसिटर का अर्थ क्या होता है, सॉलिसिटर का अर्थ होता है वकील।
वकील। पेसिफायर, पेसिफायर मतलब क्या होता है, शांत करना, तो शांत करने वाला इसका मीनिंग हो जाएगा। अब फ्रेंड हम नेक्स्ट देखते हैं 83rd क्वेश्चन को। चलिए इसका हम एंटोनिम बताते हैं। एम्बिशन का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, एम्बिशन का अर्थ होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का अर्थ हुआ जो एकदम विल पावर, कोई जो है जिसका विल पावर जो है, कोई जिसके लाइफ में कोई लक्ष्य है और उसके प्रति वो काम कर रहा है, जो एकदम पूरा अपने लाइफ में सीरियस है अपने एम के प्रति, तो उसको कहते हैं। तो इसका हमको एंटोनिम बताना है। जो मेहनती भी है, तो इसका हमको एंटोनिम बताना है। तो पहला है फ्रेंड्स इंटेंट। इंटेंट का अर्थ क्या होता है, इंटेंट का फ्रेंड्स अर्थ होता है इरादा, इरादा। तो ये तो इसका एंटोनिम होगा नहीं। नेक्स्ट एंजाइटी है। एंजाइटी मतलब क्या हुआ, चिंता, सैड मोमेंट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना या कोई सामान। तो ये तीनों तो नहीं होगा, तीनों तो कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, इसका जो है मीनिंग नहीं। अब हम फ्रेंड्स डी में है लेजीनेस। लेजीनेस मतलब क्या होता है, आलस, आलस होता है। मतलब महत्वाकांक्षी जो लक्ष्य के प्रति एकदम सीरियस है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो आलसी है, जो सीरियस नहीं है, अपना दिन बिता रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84th को। इसमें है फ्रेंड्स रीता वॉज मोशनलेस आफ्टर नोइंग दैट हर ब्रदर हैड बिकम मेंटली अनस्टेबल आफ्टर सीइंग द फैटल एक्सीडेंट ऑन ट्यूजडे नाइट। तो रीता जो था, तो हमको स्टेगनेंट का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। रीता मोशनलेस हो गई, मतलब एकदम अस्थिर हो गई, जब वो यह जानती है कि उसका भाई जो है वो मेंटली जो है मानसिक रूप से क्या हो गया, असंतुलित हो गया, मेंटल प्रॉब्लम हो गया है। क्यों, क्योंकि उसने क्या देखा था, उसका भाई ने मंगलवार की रात को क्या देखा था, एक एक्सीडेंट देखा था जो कि काफ़ी घातक था, जानलेवा एक्सीडेंट था। फैटल मतलब अपने घातक, जानलेवा। तो यहाँ पे हमको बताना है स्टेगनेंट का एंटोनिम। स्टेगनेंट की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, स्टेगनेंट मतलब, स्टेगनेंट का अर्थ होता है फ्रेंड्स स्थिर। स्थिर का क्या होगा, जो स्थिर ना हो। तो चलिए देखते हैं। पहला है फ्रेंड्स मोशनलेस। मोशनलेस मतलब क्या हुआ, मतलब जो गति में ना हो यानी स्थिर। तो इसका फ्रेंड्स सिनोनिम जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए ही हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट है फैटल है। फैटल का अर्थ क्या होता है, जानलेवा होता है या घातक होता है। नेक्स्ट हमारा है अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब क्या होगा, अस्थिर, जो स्थिर ना हो। नेक्स्ट हमारा एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो जानते ही हैं फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स 85th। 85th क्वेश्चन को चलिए रीड करते हैं। लास्ट बिफोर ईयर सिरली गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। तो पिछले साल जो है सिरली जो है अच्छा ग्रेड वो प्राप्त की। यहाँ पर हमको बताना है अंडरलाइन वर्ड के प्लेस पर क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब क्या आएगा। अंडरलाइन कौन सा क्या हुआ है, ये किया गया है लास्ट बिफोर ईयर, तो इसके प्लेस पर क्या आएगा जो ग्रामेटिकली राइट हो। तो द लास्ट ईयर बिफोर, ये आएगा नहीं, बिफोर लास्ट ईयर आएगा नहीं, द ईयर बिफोर लास्ट ये आएगा फ्रेंड्स। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो जैसा फ्रेंड्स हम ये होता है कि द डे आफ्टर टुमोरो, द डे आफ्टर टुमोरो। जैसा कि फ्रेंड्स द डे आफ्टर टुमोरो है, उसी प्रकार से द के बाद क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, और आफ्टर के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे कि आफ्टर के प्लेस पे क्या आ गया, बिफोर आ गया, बिफोर आ गया, उसके बाद क्या है लास्ट, मतलब यहाँ पे टुमोरो के प्लेस पे क्या आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा। तो सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये फ्रेंड्स इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 86th क्वेश्चन को। तो चलिए ये वॉइस का क्वेश्चन है। द न्यू ओनर हायर्ड ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स। तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट क्या है, ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स, और टेंस क्या है, सब्जेक्ट है V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब वाज वेयर आएगा इसके बाद। तो ये प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा,
वर्क के बाद V3 आएगा तो हायर्ड, तो क्या हुआ, ए लॉट ऑफ न्यू सर्वर्स वर हार्ड, वर हार्ड, तो ये ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब फिर हम डिस्कस करते हैं 87th क्वेश्चन को, किसमें स्पेलिंग एरर नहीं है ये बताना है हमको। आई हर्ड रॉकस लाफ्टर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, आई हर्ड रॉकस लाफ्टर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। यहाँ फ्रेंड्स रॉकस के स्पेलिंग, यहाँ पे रॉकस के स्पेलिंग दोनों जगह फ्रेंड्स रॉन्ग है। थर्ड हमारा क्या है, आई हर्ड रॉकस लाफ्टर फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, यहाँ भी फ्रेंड्स रॉन्ग है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट है, रॉकस का जो स्पेलिंग जो होता है वो RAUCOUS होता है, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं रॉकस के बारे में, रॉकस का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, रॉकस का अर्थ होता है, इसका स्पेलिंग होता है RAUCOUS, इसका अर्थ होता है ऐसी आवाज़ जो कि अच्छा न लगे, मतलब अप्रिय आवाज़, या बोले तो कर्कश आवाज़, कोई हंसता है, यहाँ पर फ्रेंड्स हंसने के बारे में बताया गया है, मतलब जो व्यक्ति हंस रहा है उसकी आवाज़ क्या है, हंसने की आवाज़ जो है काफ़ी कर्कश है, मतलब फटी आवाज़ है। आई हर्ड रॉकस लाफ्टर, मैंने उसकी मतलब कर्कश आवाज़ सुनी फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, अगले रूम से। तो यहाँ फ्रेंड्स जो हमको करेक्ट स्पेलिंग बताना था जो कि ऑप्शन डी में है, डी इज़ द राइट आंसर। अब फिर हम डिस्कस करते हैं 88 क्वेश्चन को, चलिए इसको देखते हैं। देयर इज अ ह्यूज जनरेशन डैश बिटवीन अरुण एंड हिज पेरेंट्स, तो क्या आएगा, ट्रेडिशन गैप मेमोरी एक्सपीरियंस, बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जनरेशन के बाद गैप ही आता है, तो बहुत हम लोग ये डेली लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो जनरेशन गैप ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं, ट्रेडिशन मतलब क्या हुआ, परंपरा हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेमोरी मतलब स्मृति होता है, याद रखना ये तो हम जानते हैं। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, अनुभव होता है। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 89th क्वेश्चन को, द इसको अंडरलाइन किया गया है, द पेरल्स ऑफ स्मोकिंग टोबैको कैन नेवर बी इग्नोर्ड, मतलब पेरल का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, पेरल का अर्थ होता है खतरा या बैड इफेक्ट। तो स्मोकिंग टोबैको, टोबैको का जो स्मोकिंग करता है तो उसको हम उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो टोबैको स्मोकिंग का जो खतरा है उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है, तो पेरिल का अर्थ होता है खतरा, तो इसका हमको सैनोनिम बताना है। तो चलिए डिलाइट का देखते हैं क्या होता है मीनिंग, डिलाइट का मीनिंग होता है आनंद, ये पॉजिटिव वर्ड है। बेनिफिट मतलब क्या होता है, लाभ, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। हजार्ड मतलब क्या होता है, खतरा होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक वर्ड है फ्रेंड्स का मीनिंग जान लेते हैं, ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन का अर्थ क्या होता है, अपमान होता है, इंसल्ट। अब फ्रेंड्स 88th क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे कि क्या है इसमें अंडरलाइन किया गया है हियर तक को, मतलब आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, तो इसमें क्या हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, मतलब इसके प्लेस पे क्या आ सकता है ये हमको बताना है, जो कि ग्रामेटिकली राइट होना चाहिए। तो मैं पिछले 10 साल से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो बेस्ट जो सूटेबल है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा फ्रेंड्स, तो आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे 91st क्वेश्चन को, चलिए इसको रीड करते हैं। सिंग माई मेसी रूम, मेसी मतलब क्या होता है, गंदा, जो जैसा कि हमने गंदा रूम को देख करके, माई मदर टॉट मी टू कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, मेरी माँ ने मुझे कहा कि सब चीज़ को ऑर्डर में रखना है, और नो माई रूम इज डैश, तो अब मेरा रूम क्या है, क्या है, साफ सुथरा है, तो साफ सुथरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीक एंड स्पान कहते हैं, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 92nd क्वेश्चन को, इसमें क्या है, देयर इज अ होल वर्ल्ड आउट देयर दैट इज इनविजिबल फ्रॉम द नेकेड आई, किस पार्ट में एरर है ये बताना है। यहाँ फ्रेंड्स फ्रॉम इनविजिबल, फ्रॉम के प्लेस पे क्या आएगा, विथ आएगा, क्यों, क्योंकि नेकेड आईज जो हम देखेंगे तो उस टाइम में तो आंख क्या रहेगा, मेरे सामने ही रहेगा, मेरे मतलब मेरे साथ ही रहेगा, तो यहाँ पे साथ होने का भाव है,
तो साथ होने का जो भाव होता है, मतलब इसमें सेपरेशन का भाव नहीं है, साथ में होने का भाव है, तो इस कारण से हम विद नेकेड आई का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ हम नहीं करेंगे। फ्रॉम किसको दिखाता है? सेपरेशन को दिखाता है। यहाँ सेपरेशन वाली कोई बात नहीं है, जब हम देखते हैं तो उस टाइम में आँख मेरे साथ ही है, तो साथ होने का भाव है, तो इसलिए हम यहाँ पे फ्रॉम के प्लेस पे विथ यूज करेंगे। तो किस ऑप्शन में है ये? ये है फ्रेंड्स इस पार्ट में एरर, इस फ्रॉम के प्लेस पे विथ आएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 93rd क्वेश्चन को। हैड दे नॉट क्लियर द एग्ज़ाम, वॉइस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये तो यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट? द एग्ज़ाम है, तो द एग्ज़ाम आएगा। और ये कौन टेंस में है फ्रेंड्स? ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? हैड है, सब्जेक्ट है, हैड है, और क्या है? भीतरी है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम पहले देंगे, तो क्या है ऑब्जेक्ट? द एग्ज़ाम है, द एग्ज़ाम। पास्ट परफेक्ट को चेंज करते हैं तो किस में होता है फ्रेंड्स? हैड बीन में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस भीतरी। द एग्ज़ाम हैड द एग्ज़ाम नॉट बीन क्लियर बाय देम, सो ऑप्शन डी फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 94th क्वेश्चन को, तो चलिए इसको रीड करते हैं। इन पहले फ्रेंड्स हम पी से स्टार्ट करते हैं, क्या पी जो है पहला सेंटेंस हो सकता है? इन टोक्यो दे बिल्ट, फ्रेंड्स दे आ गया, दे से कोई भी पहला सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्यू से स्टार्ट करें, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस फ्रेंड्स क्या है? प्रोनाउन है, दिस से भी हम कोई भी सेंटेंस का शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स आर, आर में क्या है? टोक्यो 2020 वाज सपोज टू बी अ ग्रेट इकोनॉमिक स्टिमुलस रेप्लिकेटिंग अचीवमेंट्स ऑफ टोक्यो 1964, तो ये क्यू आर है फ्रेंड्स, तो आर वाला ऑप्शन ये है हमारा। नेक्स्ट एस है, इट वाज थैंक्स टू होस्टिंग दैट ओलंपिक्स दैट जापान इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द फेमस शिनकानसेन बुलेट ट्रेन। इन टोक्यो दे बिल्ट एन एक्सप्रेस वे लिंकिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हनेडा टू द सेंटर एंड वाइडेंड सम ऑफ द सिटीज मेजर आर्टरीज। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हेल्प टू ब्रिंग अबाउट जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ टिकट्स। यस फ्रेंड्स, ये जो है हमको मीनिंगफुल मीनिंग दे रहा है, पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है फ्रेंड्स, ये ऑर्डर में है, तो सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 95th क्वेश्चन के बारे में। गेटिंग अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड वॉज अ रेयर ऑकरेंस इन रश्मिलाज लाइफ। यहाँ पे ऑकरेंस को अंडरलाइन किया गया है, मतलब इसका स्पेलिंग रॉन्ग है, इसका राइट स्पेलिंग कौन सा है ये हमको बताना है। यहाँ फ्रेंड्स ऑकरेंस का स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे ओ डबल सी यू, यहाँ पे डबल आर भी आएगा, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ए यूज किया है, ए के प्लेस पे क्या यूज होगा? ई यूज होगा, उसके बाद रेस्ट जो है बाकी एज इट इज यूज हो जाएगा। ऑकरेंस का अर्थ होता है घटना, कोई इंसिडेंट, तो ऐसा फ्रेंड्स ये किस ऑप्शन में है? ये हमारा ऑप्शन ए में है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं 96th क्वेश्चन को, चलिए रीड करते हैं और इस पैसेज को सॉल्व करते हैं। एकेडमिक लाइफ हैज डैश डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। यहाँ फ्रेंड्स हैज आया है, सब्जेक्ट के बाद हैज आया है, तो हैज ऐसा हैज या हैव ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद क्या आता है? हमेशा भीतरी आता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे हमको बनाना है। तो यहाँ पे बिकम्स क्या है? भीतरी नहीं है, ये क्या है? बिकेम, बी टू है, ये इसलिए भी नहीं होगा। बिकम क्या है फ्रेंड्स? भीतरी है, कम कैम कम होता है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स डी भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये वी फोर है, ये वी फाइव है, और ये क्या था? भीतरी था, वी टू था, सॉरी सेकेंड वाला वी टू था, तो सो ऐसे हम फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड हम डिस्कस करते हैं 97th क्वेश्चन को, तो चलिए अगेन पैसेज को रीड करते हैं।
पहला में हमने बीकॉम फिल कर दिया है। नेक्स्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे बीकॉम एकेडमिक लाइफ हैज़ बिकम डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। टीनेजर्स आर स्पेशली डैश, टीनेजर्स क्या है स्पेशली डैश है मतलब स्केयर्ड है, डरा हुआ है, या फिर प्रोन है, या फिर लिएबल है, या फिर रेसिस्टेंस है। यहाँ फ्रेंड्स प्रोन वर्ड एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स जिसका अर्थ होता है झुका हुआ, और प्रोन टू का अर्थ होता है झुका हुआ। यहाँ फ्रेंड्स टू आया है इसी से हमने सोच लिया कि यहाँ पे जो है कोई वर्ड नहीं, यहाँ पे प्रोन ही आएगा। यहाँ फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे टू का यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे टू का यूज़ किया है गया है मतलब टू से पहले कौन आता है, प्रोन ही आता है, तो इसका अर्थ होता है झुका हुआ। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अपन पैसेज को रीड करें, टीनेजर्स आर स्पेशली प्रोन टू मतलब झुका हुआ है, मतलब प्रवृत्ति उसका इसी की तरफ है, टू एकेडमिक स्ट्रेस बिकॉज एकेडमिक जो भी स्ट्रेस है टेंशन है, बिकॉज दे गो थ्रू सो मैनी पर्सनल एंड सोशल चेंजेस, उसमें बहुत सारा पर्सनल और सामाजिक बदलाव भी होता है। एज ए रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड इफिशियंट डैश, क्या होगा कोलैटरल होगा, इंटरवेंशन होगा, कन्वेंशन होगा, या फिर फिजिकल होगा। कोलैटरल, इंटरवेंशन, कन्वेंशन और फिजिकल। तो चलिए ऑप्शंस का हमने देख लिया। अगेन हम फ्रेंड्स क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो स्पेशली टू एकेडमिक स्ट्रेस बिकॉज दे गो थ्रू सो मैनी पर्सनल एंड सोशल चेंजेस, एज ए रिजल्ट डिजाइनिंग इफेक्टिव एंड इफिशियंट डैश सॉल्यूशंस है फ्रेंड्स। डैश सॉल्यूशंस रिक्वायर्स ए थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एकेडमिक स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स फिजिकल था, तो फिजिकल तो एकदम यूज नहीं होगा। यहाँ पे अगर वर्ड की बात करें, पहला है कोलेट्रल, कोलेट्रल का क्या अर्थ होता है, कोलेट्रल का अर्थ होता है फ्रेंड्स जैसे कि हम अगर लोन लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग कोलेट्रल में हम किसी घर को या कोई सामान को हम रखते हैं, या सोना को भी हम लगाते हैं, गिरवी पर रखते हैं, मतलब प्रमाणित करने के लिए ताकि उसको लोन वो दे दे, तो वहाँ पे हम कोलेट्रल का यूज़ करते हैं, लोन के केस में कोलेट्रल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का अर्थ क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, मतलब इंटरफेयर। नेक्स्ट हमारा क्या है कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब क्या होता है, समझौता। और फिजिकल, फिजिकल मतलब आप जानते ही हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा फिट है। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सॉल्यूशंस रिक्वायर्स अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एकेडमिक स्ट्रेस, एग्जाम्स आर वन ऑफ द डैश। तो यहाँ पे जो फील होगा फ्रेंड्स वो इंटरवेंशन होगा, क्योंकि प्रमाणित करना ही लोन के किस्म होता है, समझौता तो होगा नहीं, हस्तक्षेप, इंटरफेयर, ये सबसे सुटेबल वर्ड है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होता है इंटरवेंशन होता है, इंटरफेरेंस जो हस्तक्षेप वो करता है। अब नेक्स्ट हम फिल करेंगे इंटरवेंशन सॉल्यूशंस रिक्वायर्स अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एकेडमिक स्ट्रेस, एग्जाम्स आर वन ऑफ द डैश एस्पेक्ट्स ऑफ एनी वंस लाइफ। एग्जाम क्या होता है, किसी का भी जीवन का एक डैश रूप होता है। तो कैसा रूप होता है, यहाँ पे वन का यूज़ किया गया है, वन ऑफ द का यूज़ किया गया है, मतलब द आया है तो इसके बाद क्या आएगा, सुपरलेटिव आएगा,
सुपरलेटिव डिग्री में आएगा, सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे मोर है, द के बाद मोर तो आएगा नहीं। मोस्ट ईगर है, उत्सुकता, उत्सुकता उत्सुकता वाली बात तो यहाँ नहीं हो रही है, तो ये इस संदर्भ में ये भी गलत हो गया। यहाँ पे मोर अर्जेंट, इसकी भी बात नहीं हो रही है, मोर का हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे मोस्ट क्रूशियल आएगा, बहुत ज़्यादा क्रूशियल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। सो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन को, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मोस्ट क्रूशियल भराएगा। एग्जाम्स आर वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट क्रूशियल, मतलब इम्पोर्टेंट है, तो मतलब जो बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, जो एकदम बहुत सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, उसमें से वन मतलब तीन चार को है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें से एक, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या आता है, मोस्ट आता है, सुपरलेटिव डिग्री, मच क्या होता है, मच मोर मोस्ट। तो मोस्ट से पहले किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। यह कंपेरेटिव डिग्री है, यह पॉजिटिव डिग्री है, और यह सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे द जो है, द का यूज सुपरलेटिव डिग्री के लिए होता है। तो यहाँ पे द मोस्ट द क्रूशियल क्रूशियल द मोस्ट क्रूशियल आएगा, द मोस्ट क्रूशियल आएगा, आर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ। एग्जाम्स आर स्ट्रेसफुल फॉर एवरीवन, सबके लिए क्या होता है, एग्जाम टेंशन से भरा होता है, स्ट्रेस से चिंता से भरा होता है, वेदर दे आर स्टूडेंट्स, चाहे वो विद्यार्थी हो या कोई कोई जवान आदमी, नौजवान व्यक्ति। बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू परफॉर्म वेल, सभी क्या चाहता है, सभी चाहता है कि हम जो है परफॉर्म अच्छा प्रदर्शन करें, और कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है, फेल होना कोई नहीं चाहता है, एज टू एवॉयड एस फ्यूचर, ताकि भविष्य में वो किसको एवॉयड कर सके। तो यहाँ पे एवॉयड करेगा किसको फ्रेंड्स, भविष्य में सब चाहेगा कि अच्छा होगा, यहाँ पे एवॉयड करेगा मतलब एवॉयड नेगेटिव वर्ड आ गया है, तो वहाँ क्या कैसा वर्ड आएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव, वहाँ पर फ्रेंड्स नेगेटिव वर्ड आएगा, तो ताकि नेगेटिविटी चीज़ को वो एवॉयड करेगा। तो नेगेटिव वर्ड कौन सा है फ्रेंड्स, चलिए हम चार ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्टता या दुविधा पूर्णता, दुविधा से भरा हुआ मतलब प्रॉब्लम से भरा हुआ, दुविधा पूर्णता। स्निक, स्निक का अर्थ क्या होता है, चोरी या गुप्त से, या गुप्त इस केस में होता है। वांडरलस्ट, वांडर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, घूमना होता है, बिना व्यर्थ का घूमना, बिना किसी उद्देश्य का घूमना, तो वांडरलस्ट का अर्थ हो गया भ्रमण लालसा, भ्रमण लालसा। सबसे लास्ट हमारा क्या है, पर्पस, पर्पस तो सभी जानते हैं, उद्देश्य हुआ। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट सुटेबल जो वर्ड है वो फ्रेंड्स वो क्या है, एवॉयड करेगा किसको, एवॉयड करेगा ताकि भविष्य में वो डैश को एवॉयड करेगा। चलिए ऑप्शंस को अब फिर से देखते हैं, किसको देखेगा, वो दुविधा पूर्णता को वो एवॉयड करेगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, सभी चाहता है कि भविष्य में हमको आगे कम प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम नहीं हो, दुविधा नहीं हो, इसीलिए जो है क्या करता है, सब हार्डवर्क करता है और एग्ज़ाम में जो है अच्छा परफॉर्म करने का कोशिश करता है। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ब्रदर स्टडीज़। बाय।